सब तो पहला तो धन धन साहब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह उन्होंने दर्शन ददारे किए है। तो अज जिहड़ा गुरमते श्री अकाल तख्त साहब दे जखे सी ते आ जिहड़ा गुरमते करन वास्ते खालसा पंथ का जिहड़ा मुखियां दा निहंग सिंह जिथे जथेबंदियां दे मुखी साहिबान ते उत्थे वख-वख संप्रदावां दे मुखी साहिबान जिथे हाजिर होए दर्शन ददारे किए ने। तो ये जिहड़े अज कल दे हालात बारे जिहड़ा पिछले काफ़ी समय तो ये चर्चा चल रही है अमृतपाल सिंह जी होरां बारे, अमृतपाल सिंह होरां ने सारयां ने यही सुझाव दित्ते ने वी उह है कित्थे है। तो जिहड़े नौजवान गलत फड़े जा रहे ने, पुलिस ने जिहड़े गलत फड़े ने, तो उन्हां बारे भी बहुत विस्तारपूर्वक जिहड़े गुरमते होए ने जे वो अपने उन्हां दे उपर कोई केस नहीं बनते उन्हां नूं जिहड़े गलत फड़े उन्हां नूं तुरंत जिहड़ा रिहा किया जाना चाहिए। तो नाल ही जिहड़े अमृतपाल सिंह होरां बारे भी जे वो पुलिस कोले हैगा तो वो अपने दस्या जाना चाहिए, जे नहीं है तो अमृतपाल सिंह होरां नूं आप ही जिहड़ा आके तो वो जरूर अपने सिंह साहब कोले जां किते भी अपने जरूर दसना चाहिए। तो वो सारिया जथेबंदियों की एक मत हुई है कि आपने जे वो नहीं आपदे आप पेश हों तो वो अकाल तख्त साहब के राही ज अपने जो भी वो गलबात है वो अपने जरूर जरा सन्मुख आवे। तो जी अपने संगतां दे विच दुबधा है ज नौजवान जोड़े अपने साढ़े वो दुबधा विच ने उन्हां नूं क्लीयर करना चाहिए तो भजना नहीं चाहिए। जे 84 दे विच कोई भी उस तो पहला भी संत बाबा जरनैल सिंह जी साढ़े जदों कितें कोई इहो जी गल आई सी तो उन्होंने आप जिहड़ी मैते चौंक दे विच गिरफ्तारी दित्ती सी ते उन्हां नूं इहो जिहा नहीं सी करना चाहिए। इहो जी कोई अपने कानून भी जे कोई गलत लग्या तो वह भी जिहड़ा जरूर अपने पंजाब ते हिंदुस्तान की सरकार नूं जरूर वह देखना चाहिए भी किसी ते जिहड़ियां इहो जिहियां सख्त धारावां ला के जे नहीं बनदियां तो वह जिहड़ियां हटा भी सकदी है सरकार। तो मेरी तो अपने जिहड़ा सारे गुरमते होए ने तो वो भाई अमृतपाल सिंह नूं जरूर चाहिए वो भजन की बजाय वो जरूर अपने जिहड़ा अपने संगतां दे सन्मुख आना चाहिए। अपने उत्थे तो यही गल हुई है सारे सिंह साहब जी ने भी हुण अपने सारे गुरमते होए ने जे वो अपने किते भी हैगे वो जरूर अपने उन्हां नूं अपने अकाल तख्त साहब के थ्रू ही हो जाण पेश। सारिया जथेबंदियां ने भी यही कहा भी अपने उन्हां नूं ये नहीं दुविधा नहीं रखनी चाहिए, जे कोई इहो जी गलबात हैगी तो वो जरूर अपने अकाल तख्त साहब के राही हो जाते कोई अपने इत्थे करदे अप्रोच करदे। हाँ वो जरूर कहा कि जे अपने जिहड़े नौजवान ने जे 24 घंटे दे नहीं छड्डणगे विच सारिया ने तो यही कहा, मैं भी ये बेनती करदा तुरंत उन्हां नूं जे अपने रिहा करना चाहिए जे 24 घंटे तक नहीं छड्डिया तो अगला जिहड़ा वो अकाल तख्त साहब वल्लों जो भी सारे होए ने गुरमते उहदे अनुसार चलांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। फ्री सेवा जी हाँ, पंजाबी भैणा ते भरावां लई एक सुनेहा अजिहा कि जिस नूं पढ़ ते सुन तुसी बदल सकदे हो अपनी जिंदगी। इस नूं ना समझना कोई इश्तिहार, दुनिया भर दे विच तुसी घुम्मे होणे जोची मौलवियां तांत्रिकां ते बाबियां कोल, पर नहीं जे बणिया हल तां मैं करांगा तुहाडियां सारियां समस्यावां दे हल। परेशानी जिवें ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਲਾਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸੌਤਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਪੂਜਾ, ਮੰਗਲ ਦੋਸ਼ ਪੂਜਾ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੂਰ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਫਲਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 7973822721। ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ।